पूरे संसार में कोहराम मचा चुकी कोरोना महामारी दूसरी लहर के चलते देश भर के साथ साथ रेवाड़ी में भी जोर पकड़ती नजर आने लगी है। यही वजह है कि यहां आए दिन कोरोना मरीजों का मिलना आम बात हो गई है, जिसे लेकर न केवल जिला प्रशासन बल्कि स्वास्थ्य विभाग भी बेहद संदिग्ध नजर आ रहा है। लेकिन आमजन पर ना तो सरकार की अपील का कोई असर है और ना ही इस बीमारी को लेकर लोगों में कोई खौफ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें पीतल नगरी के अलग अलग सार्वजनिक स्थानों की हैं। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि गलियों से लेकर सड़कों तक, मंदिर से लेकर बाजारों तक और चौराहों से लेकर बस अड्डों तक हर कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। यहां तक कि लोग इस बीमारी को लेकर कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा सरकारी अस्पताल की इन तस्वीरों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। अपना इलाज और कोरोना टेस्ट करवाने आए लोग एक दूसरे से किस कदर सटकर खड़े हैं। इतना ही नहीं, यहाँ स्कूलों का भी हाल बेहाल है। स्कूलों में कोरोना पॉजिटिव बच्चे पाए जाने के बावजूद अनेक स्कूलों में कोरोना के नियमों की कहीं भी कोई पालना होती नजर नहीं आ रही और छुट्टी के वक्त बच्चों की भारी भीड़ का आलम देखा जा सकता है। आइए अब आपको सुनाते हैं इसे लेकर क्या है स्वास्थ्य अधिकारियों की राय। स्वास्थ्य अधिकारी की माने तो कोरोना की लहर पहले से भी ज़्यादा खतरनाक है, जिसमें नियमों को तोड़ना ना केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी घातक साबित हो सकता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ना केवल कोरोना की इस जंग में जी जान से जुटा है बल्कि लोगों को इस महामारी से सुरक्षित रखने के लिए फिर से कमर कस ली है। विभाग ने जहाँ वैक्सीनेशन पर जोर दिया तो वहीं टेस्टिंग भी बढ़ा दी और मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में अलग से वार्ड भी बना दिया है। इसे लेकर स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कोरोना संक्रमण फिर से तेजी से फैलने लगा है, ऐसे में लोगों को पहले से भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है ताकि इस बीमारी से बचा जा सके, क्योंकि बचाव ही इस बीमारी का सबसे बड़ा उपाय है। उन्होंने लोगों से अपील की कि बेवजह भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, अगर जाना जरूरी हो तो मास्क लगाकर ही जाएं, मगर कुछ भी हो अब देखना होगा स्वास्थ्य विभाग की इस अपील का आम जन पर कितना असर होता है। We'll be right back.
दोबारा से जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई? जो ये कोरोना की दूसरी स्ट्रेन आई है, ये ज़्यादा तेज है, ज़्यादा खतरनाक है। स्वास्थ्य विभाग इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हमने जो कोविड की वैक्सीनेशन चल रही है वो चला रखी है। उसके बाद हमारे यहाँ जो टेस्टिंग चल रही है 99 कमरे में रेवाड़ी ज़िले में, बहुत अच्छी तरह से हमने सब कुछ व्यवस्था करा रखी है। जितने भी टेस्टिंग होती है, हमारे पास खुद कोरोना लैब है अपने पास, उन सब की जितने भी सैम्पलिंग की जाती है उनकी टेस्टिंग करके रिपोर्ट विद इन 24 आवर टू 48 आवर्स हम रिपोर्ट दे देते हैं, ताकि जितनी जल्दी पता लगे उसको अलग से रख लिया जा सके। जो बीमार हैं या जिसको कोरोना पॉजिटिव आ गया है, उसके लिए हमारे यहाँ कोरोना वार्ड है जो सक्रिय है, जिसके अंदर पेशेंट एडमिट हैं, और हमारे यहाँ डॉक्टर्स ड्यूटी लगा दी गई है। जैसे पहले था, बीच में कोरोना कम हो गया था तो बंद हो गया था, अब ये दोबारा चल पड़ा तो दोबारा स्वास्थ्य विभाग दोबारा इन सबको जैसे पहले तैयारी थी वैसे तैयारी कर चुका है। कितने टेस्ट पर डे किए जा रहे? एक दिन में लगभग 700 से लेकर 1200 तक टेस्ट होते हैं, कई बार तो 1500-1600 भी पहुँच जाते हैं। तो जो भी टेस्ट होते हैं उन सबकी रिपोर्टिंग की जाती है और सबको टेस्टिंग की जाती है। सबकी ही टेस्टिंग करके अपने यहाँ से लैब से ही रिपोर्ट करके, चाहे एक शिफ्ट में या दो शिफ्ट में, ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी लगानी पड़ती है, तो सबकी रिपोर्टिंग की जाती है सबको। पहले जिस तरह से कोरोना वार्ड में लोगों की शिकायत थी कि यहाँ ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, खाना सही नहीं मिलता है, पानी पीने का नहीं मिलता है, तो क्या अभी जो आपने अरेंजमेंट किया है जो वो किस तरह का? सर जो पहले था वो था आइसोलेशन वार्ड, अब ये कोरोना वार्ड है। कोरोना वार्ड मतलब जो कोरोना पॉजिटिव हैं सिर्फ वही होंगे। पहले यह था कि हम जिसकी टेस्टिंग कर देते थे, आइसोलेट करते थे, उसको घर में ना रख के उसको यहाँ रखते थे। उसमें लोग जरा परेशान थे कि क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं है, क्या पता यहाँ कौन पॉजिटिव उसके साथ पॉजिटिव है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत थी। अब ये कोरोना वार्ड है, कोरोना वार्ड में कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई पॉजिटिव आता है उसको हिसाब से ट्रीटमेंट की जाती है, उसकी जो भी टेस्ट करवाने हैं, ECG करानी है, एक्सरे कराना है, सब कुछ किया जाता है। हमारे स्पेशलिस्ट हमारे पास फिजिशियन है, सर्जन है, हर चीज़ का जो भी इलाज होगा उसका वो सारे इलाज किए जाते हैं। यदि कहीं PO2 ज़्यादा कम होती है, उसके ऑक्सीजन सेचुरेशन कम है या कुछ ऐसी बात है, तो उसको रेफर करने का इंतजाम भी हमारे पास है, तो उसको रेफर करते हैं हर सेंटर। जिस तरीके से दोबारा से कोरोना बढ़ रहा है उसको लेकर के लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि भीड़ भाड़ फिर से बढ़ती दिखाई दे रही है बाजारों में लोग? जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अब लोगों को ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। मेरे हिसाब से यह है कि जो कोरोना बढ़ रहा है, इसके लिए लोगों को घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। दूसरा, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, बार बार हाथ धोएं, सरकार की जो भी हिदायतें इन सब का पालन करें। बार बार हाथ धोने से थोड़ा सा इसका कोरोना का संक्रमण कम हो जाएगा। सोशल डिस्टेंस बना के रखें ताकि आपको कोरोना का डिजीज ना हो। अब जो स्ट्रेन आई है ये ज़्यादा भयंकर है, बहुत जल्दी से फैल रही है, एकदम से बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो इसलिए बचाव ही उपाय है। सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि जब भी चाहें, जब भी घर से निकलें, मास्क पहन के निकलें और हमेशा मास्क पहन के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। इसी से ही कोरोना से बचाव हो सकता है और इसी में ही हम सब समाज वाले बच सकते हैं। एक सर आखिरी सवाल, आपने कोरोना वार्ड भी बनाया हुआ है, लेकिन अभी जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उनको घर में आइसोलेट किया जा रहा है, तो कौन लोग हैं जो कोरोना वार्ड में आना चाहे, वो कोरोना वार्ड में रहना उनको जरूरी है? जो कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं उनको हम होम आइसोलेट कर देते हैं। जिनकी जो उसके लैब टेस्टिंग के हिसाब से CD वैल्यू ज़्यादा होती है उसे घर रख लेते हैं, कम होती है तो उसको ऑक्सीजन सेचुरेशन देखते हैं। इसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 80-90% से कम है उसको हम यहाँ बुला लेते हैं, उसको यहाँ ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं या उसको जो देते हैं, या किसी के साथ कोमोर्बिडिटी है मतलब उसके साथ शुगर है, उसको हाइपरटेंशन है, तो उसको डॉक्टर की ज़रूरत है, उसको इलाज की ज़रूरत है। कोरोना तो कोरोना की जगह है, उसके साथ दूसरी इलाज उसका चल रहा है जिसके लिए उसको एडमिट करना पड़ रहा है, तो उसको भी इलाज करते हैं, इसमें कोई दवाई नहीं है। यदि किसी को दिक्कत आती है, हम होम आइसोलेशन में सबके साथ टच रहते हैं, सबके साथ फ़ोन पे बात करते हैं, क्या हुआ, कितना क्या कुछ खाया, क्या है, फीवर तो नहीं है, कुछ है तो नहीं है, हर पेशेंट से पूछा जाता है जो भी होम आइसोलेशन में। सुबह शाम हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो ड्यूटी लगा रखी है जिनकी डॉक्टर्स की, वो सब उनसे बात करते हैं। जहाँ कहीं भी उसको दिक्कत आती है, कुछ ऐसी बात होती है, तो हमारे पास एम्बुलेंस है, हम उसको लेके यहाँ पहुँचाएँ।